हेलो गाइस, मैं हूँ विष्णु। गाइस, हम सभी लोग रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम सभी लोग रोज बर्तनों में खाना खाते हैं, हम सभी लोग रोज बिजली का इस्तेमाल करते हैं और हम सभी लोग रोज गाड़ियों में घूमते हैं। गाइस, आपने कभी सोचा है कि गाड़ियों में जो घूमते हैं उनके टायर्स कहाँ बनते हैं? हम सभी लोग जो पेप्सी पीते हैं वो कहाँ बनती है? हम जो बर्तनों में खाना खाते हैं वो स्टील कहाँ बनती है? और हम सभी लोग जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसके वायर्स कहाँ बनते हैं? तो गाइस, आज हम इसी चीज़ की पड़ताल के लिए निकले हैं भिवाड़ी में। भिवाड़ी एक ऐसी जगह है जो राजस्थान की सबसे ही फेमस जगह मानी जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको कंपनियाँ और छोटे छोटे कारखाने मिल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में हम भिवाड़ी के कैपिटल मॉल पे हैं। तो गाइस, सभी लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गाइज, अभी फिलहाल में मैं अजंता चौक के पास भिवाड़ी में बी ब्राउन कंपनी के पास आ चुका हूँ। इधर आप देखिए, ये जो कंपनी है मेडिकल संबंधित है। इसमें क्या होता है, दवाइयाँ बनती है। अगर आप इसमें जॉब के लिए चाहते हैं तो कभी भी आके यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। काफी बड़ी कंपनी है, अच्छे एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। और अजंता चौक भिवाड़ी में, अजंता चौक के पास है ये कंपनी। इससे आगे हम आपको KEI कंपनी दिखाएंगे जिसमें वायर बनते हैं, बड़े बड़े केबल्स बनते हैं। आपको फिलहाल में मेरे पीछे जो कंपनी दिखाई दे रही है KEI कंपनी है। इसमें वायर बनते हैं बिजली के, इसमें वायर बनते हैं जो हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई होती है उसके वायर यहीं बनते हैं। इसके अलावा और भी भिवाड़ी में काफ़ी कंपनियां हैं जिनमें इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं। बाकी हम आपको और भी कंपनियाँ दिखाते हैं, तो आइए हमारे साथ में। भाई साहब, अभी हम फिलहाल में भिवाड़ी के लाल कोठी नामक जगह पर आ गए। इस जगह को मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, लाल बिल्डिंग, इसको लाल कोठी बोला जाता है। सबसे ज्यादा कमरे यहीं पे किराए पे मिलते हैं। अगर आपको कमरा चाहिए किराए पे तो संपर्क कर सकते हैं भाई साहब से। गाइस, यहाँ पे मोमडम ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा रहते हैं, तो वो देख लेना आप कमरे के लिए। ठीक है भाई, आगे के लिए चलते हैं। यहाँ पर गाइस, आपको ये जो पीछे कंपनी दिखाई दे रही है, इस कंपनी का नाम टाटा ब्लू स्टॉक कंपनी है। ये कंपनी जो है सबसे ज्यादा स्टील की चादर बनाती है। इधर की साइड में आपको ये जो बड़े बड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं, इनमें स्टील के बड़े बड़े रोल आते हैं। पीछे की साइड में भी कुछ ट्रक खड़े हैं, एक बार इधर दिखा दीजिए। इधर जो आपको बड़े बड़े ट्रॉले दिखाई दे रहे हैं, इनमें स्टील के बड़े बड़े रोल आते हैं। टाटा ब्लू स्टॉक कंपनी यही स्टील बनाती है। यहाँ से स्टील की जो चादर होती है बनने के बाद फिर आगे की तरफ एक्सपोर्ट होती है। तो भाई साहब, अभी फिलहाल में हम वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी कि पेप्सी कंपनी के सामने खड़े हैं। यह कंपनी भिवाड़ी की सबसे पहली कंपनी है। भिवाड़ी में सबसे पहले यही कंपनी आई थी। गाइस, ये कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली यही कंपनी है। और एक राज की बात बताऊं, मैंने भी इस कंपनी में काम किया है। यही है भिवाड़ी की सबसे पहली। इस कंपनी की लाइक दबा देना गाइस।
गाइस अभी फिलहाल में हम आ चुके हैं बीकेटी कंपनी, बालकृष्णा टायर कंपनी। ये कंपनी टायर बनाती है, बड़े बड़े टायर गाड़ियों के, बसों के, जेसीबीओ के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर बनाती है, विदेश के लिए एक्सपोर्ट करती है कंपनी। सबसे साफ सफाई वाली कंपनी मान लो आप इसको। और एक चीज़ और है, अगर आप जॉब के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जॉब देखते हैं तो काफ़ी अच्छी मोटी सैलरी मिलती है इस कंपनी में, आप एक बार यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं गाइस। अभी फिलहाल में हम काफ़ी कंपनियों में घूमने के बाद हम आ चुके हैं भिवाड़ी के औद्योगिक थाने में, भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र थाना। ये जो थाना पड़ता है सामने आप देख सकते हैं, और इधर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र थाना चौपान की औद्योगिक क्षेत्र थाना, ये पुलिस थाना है। इसके बाद अब हम आपको बियर कंपनी दिखाते हैं जहाँ शराब बनती है, तो वीडियो में बने रहना गाइस। अभी फिलहाल में हम लोग थाने से निकल रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र थाना आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बड़े बड़े कंटेनर खड़े हैं यहाँ पर। तो गाइज अभी फिलहाल में हम आ पहुंचे हैं यूबी कंपनी के पास, यूबी मतलब बियर कंपनी। ये कंपनी शराब बनाती है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टैंक दिखाई दे रहे हैं। इधर साइड में आप अगर अपनी नजरों को घुमाएंगे तो एक बड़े से पाइप में से चिमनी जैसी टाइप में धुआं निकल रही है उसमें से। तो गाइज ये भी कंपनी काफ़ी फेमस कंपनी है, और आप सभी लोग प्लीज़ हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है, लाइक दबा देना वीडियो के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो राकेश जी फिर आगे चलते हैं। हम लोग कंपनियों से फ्री होने के बाद इधर एक मार्केट के लिए निकल रहे हैं, ये मार्केट बोधा मार्केट के नाम से जाना जाता है, काफ़ी बड़ा मार्केट है और काफ़ी लोग शाम के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो मैं आपको बोधा मार्केट दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट है यही बोधा मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी दुकान है यहाँ पर, कंपनी के लोग इधर ही आते हैं अपने काम के लिए। ये लोरून कंपनी है सामने। तो गाइज अभी हम फिलहाल में आ पहुंचे हैं भिवाड़ी की श्रीराम पिस्टन कंपनी के सामने। ये कंपनी बड़ी गाड़ियों की पिस्टन बनाती है जो कि इंजन में लगती है, काफी फेमस और सबसे पुरानी कंपनी भी इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ भी इम्प्लॉयमेंट की काफी जरूरत है, अगर आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, काफी अच्छी कंपनी है ये। सभी कंपनियों में घूमने के बाद ये आप सेकंड लास्ट कंपनी मान लो, KEI कंपनी। ये भी वायर बनाती है, बड़े बड़े वायर बनाती है गाइस, बहुत बड़ी कंपनी है, रोजगार की काफ़ी आवश्यकता होती है अगर आप इधर आ भी सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक कंपनी और दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे, तो फटाफट से आइए हमारे साथ। तो राकेश जी अब हम किधर जाने वाले हैं? जाने वाले हैं ताम्र बनाती है वो कंपनी में। तो गाइस अभी हम ताम्र धातु कंपनी में जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको तामा बनाने वाली कंपनी, एक ऐसी भी कंपनी है यहाँ पर जो तामे के वायर बनाती है। अभी हम आपको वही कंपनी दिखाते हैं, चलते हैं। भिवाड़ी की सभी कंपनियों में घूमने के बाद हम आ चुके हैं लास्ट एंड फाइनल ताम्र धातु कंपनी। ये कंपनी जो है बड़े बड़े तांबे के वायर बनाती है, प्लेट्स बनाती है, बड़ी बड़ी रोड बनाती है जो कि ट्रांसफार्मर और काफी जगह इस्तेमाल होती है गाइस। इसके बाद ब्लॉग का एंड करते हैं। ये सामने आपको जो कंपनी दिखाई दे रही है मेरे पीछे की साइड में, ये ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी है, इसमें कपड़े बनते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत ही मजा आएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना गाइस, ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ कमेंट करके बताना आपको कहाँ की वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, सभी लोग कमेंट करना गाइस। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। गाइस अभी यहाँ पे भिवाड़ी में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, आप देख सकते हैं मेरे सामने पानी पानी भरा पड़ा है, पता नहीं कोई नाला जाम हो गया क्या हो गया,
इधर राकेश जी गाड़ी को निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारी गाड़ी इधर फंस चुकी है पानी में। देख सकते हैं मेरे पीछे गाइस, आप इतना ज्यादा पानी भरा है, भिवाड़ी का टैंक फट गया पानी वाला, गाइस पानी वाला टैंक फट गया गाइस।